मुल्क को रिप्रेजेंट करने से, देखा ना किस तरीके से यूसुफ पठान इंडिया का झंडा लेकर आया है, ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। वो कैसे नाच रहे हैं इस वक्त, कैसे इरफान पठान नाच रहे हैं, कैसे वो जश्न मना रहे हैं। शायकी ने क्रिकेट के लिए बुरी खबर है, इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जीत ली है। फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रहा, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया है। इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। टीम जब जीती पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है हम सबको अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। किसी और प्लेयर ने इस किस्म की हरकत करती हो, आप वहां से आए, आप रात गले मिलके डांस किए जा रहे हो। अब इरफान पठान अगर ट्वीट करे पड़ोसियों संडे कैसा रहा है, तो फिर मिर्चियां तो नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने भी तब उसको तंग किया था। तो बनती नहीं है ये, फिर उनका एक बॉक्स दिख रहा है कि अपने अंदर कितना बॉक्स रखे हैं। और इन जैसे लोगों की वैसे नफरतें होती हैं ये, क्योंकि पॉलिटिकली हो चुके हैं। इरफान पठान जैसे लोग ना नफरतें फैलाते हैं बिना वजह की बातें करके। इससे ज्यादा हमारी इंसल्ट हो नहीं सकती, जितनी हमारी इंसल्ट हो गई है ना, आप हो कहां पे? वो खुदा का खौफ करो, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है आपकी इस परफॉर्मेंस। यूसुफ पठान की ना ये टूर्नामेंट, यूसुफ पठान क्या सीरीज, बेशक मलिक ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यूसुफ पठान ने 350 इकट्ठी की हैं और क्रूशियल। इससे पूछना चाहिए, पूछेगा कौन? बदमाशी लगाई हुई है लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते हैं ठीक है, पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। हारेगी, याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। ओ पठान को देखो, यूसुफ पठान को, यूसुफ पठान का फिटनेस लेवल देखो, लेकिन उस बंदे में इतनी जान है, वो एक हाथ से भी छक्का मार लेता है। यूसुफ पठान की जो इनिंग्स है ना, उन्होंने भाई साहब टीम इंडिया को फाइनल में भी लेकर आई है और फाइनल भी जितवाया है, जो साफ सी बात है। तो मेरे नजदीक तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई बनता है ना, तो वो यूसुफ पठान बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के फाइनल मुकाबले में जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है, ओह पाकिस्तानी टीम जो यंग भी थी, रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर भी खेल रहे थे, इवन शुएब मलिक, सुहेब मकसूद, शर्जील खान अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए, मगर पाकिस्तानी लेजेंड्स जो चैंपियन जो टीम थी उसका हिस्सा था, मगर फिर भी भारत की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में रोना धोना जारी है। तो सबसे पहले एक कंप्लीट वीडियो रिएक्शन देखते हैं, फिर एंड में जाकर इस हवाले से बात करते हैं। इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। पेंट कोट तो पहनता है, लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। और अभी टीम जब जीती पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है हम सबको अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। किसी और प्लेयर ने इस किस्म की हरकत करती हो, आप वहां से आए, आप रात गले मिलके डांस किए जा रहे हो। ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जे देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखें जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूँ। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया, जिस किस्म की तुम्हें और गौतम गंभीर को, जिस किस्म की तुम लोग जो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करते हो, इसके ऊपर जरूर फाइन होना चाहिए। इससे पूछना चाहिए, पूछेगा कौन? बदमाशी लगाई हुई है लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते हैं ठीक है, पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। हारेगी, याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। यूसुफ पठान ने तो इस किस्म की हरकत नहीं की, हमारे दिल में तो ये कभी भी चीजें नहीं आई जो इरफान पठान जो घटिया किस्म की हरकत करता है। आपकी जो रहन सहन है, इससे ये आपकी तरबियत ये पता चलती है कि आप किस किस्म के, किसी और टीम के खिलाफ करना फिर तुझे पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है एक टास्क दिया गया है कि भाई तुमने इस तरह करना है, जब पाकिस्तान आएगा तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है। क्रिकेट तो तूने मेरे से ज़्यादा खेली, मैं नेचर वाइज बात कर रहा हूँ कि पता नहीं खैर तूने क्रिकेट कैसे खेल ली है, जितनी तेरी गेंद की स्पीड थी ना, कसम से कोई क्लब क्रिकेट भी तुझे ना खिलाए। किस्मत में रुसवाई लिखी हो ना, फिर आप कुछ भी कर लो, आपकी जिंदगी में रोना लिखा है तो आपने रोना ही रोना है। वो टीम जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रही थी, वो टीम जिसने भारत को पहले मैच के अंदर हरा दिया था, इससे बेहतर पहला मैच भी हार जाते ताकि हमसे इनसे कोई उम्मीद ही ना लगाते हम इनसे। बुजदिल ना हो तो इतने बुजदिल हंस रहे हैं, करोड़ों अवाम इनको देख रही है, पूरा पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि चलो वर्ल्ड कप तो गया, एटलीस्ट इंडिया को फाइनल हरा के हमें ये तो ट्रॉफी दिलवा दो, हमें इतनी सी तो खुशी दे दो। जाते ही ना
हार जाते, सेमीफाइनल हार जाते, ग्रुप स्टेजेस के अंदर हार जाते, अब वो कैसे नाच रहे हैं इस वक्त, कैसे इरफान पठान नाच रहे हैं, कैसे वो जश्न मना रहे हैं। हमारी तो जो कहते हैं किस्मत ही खराब है कि हमें ये टीम मिल गई, इस टीम से उम्मीदें लगाने पड़ गई है। ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से देखा ना किस तरीके से यूसुफ पठान इंडिया का झंडा लेकर आया है, ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। ये वर्ल्ड कप के इक्वल चीज थी, वो ट्रॉफी जीत गए हैं। 20 दिन के अंदर दूसरी ट्रॉफी भारत लेके चला गया T20 फॉर्मेट की। उनके बुढ़े प्लेयर्स भी हमसे पूरी दुनिया से बेहतर हैं। उनके अनफिट प्लेयर्स ने हमारे प्लेयर्स के मुंह के ऊपर ना मैं क्या बोलूं इनको। वो पठान को देखो, यूसुफ पठान को, यूसुफ पठान का फिटनेस लेवल देखो, लेकिन उस बंदे में इतनी जान है वो एक हाथ से भी छक्का मार लेता है। इनमें तो जाने भी नहीं है। यूसुफ पठान को देखो किस तरीके से उसने छक्के मारे हैं, कहां कहां उसने छक्के मारे हैं। वो कौन सी क्रिकेट खेल रहा था, वो तो अपने घर पे बैठा हुआ था, घर से वो आया, उसने क्या मैच करवाया है। लगातार पिछले 3 मैचेस से उसने 50 मारे हैं। भारत को जितवाने के अंदर यूसुफ पठान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फाइनल में ना होता लेकिन उसने फाइनल के अंदर पहुंचाया। कुछ सीखो। हमारी किस्मत में ना इंडिया से हारना लिखा हुआ है। ये जो हम ग्रुप मैच में इंडिया को जिस टाइम हमने हराया था तो बड़े पाकिस्तानी उछल रहे थे, ग्रुप मैच में हरा लिया ठीक है, फाइनल कौन जीता है। मतलब आप अंदाजा लगाओ, इंडिया ने आपको 2 तरह से पेला है, 2 तरह से वो आपको पेल के गए हैं। शर्म कर लो, यकीन कर लो। 2007 में भी यही टीम थी जिस टीम ने आपको पेला था, और 2024 में भी यही टीम है जिस टीम ने आपको पेला है। अब इरफान पठान अगर ट्वीट करे कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा है, तो फिर मिर्चियां तो नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने भी तब उसको तंग किया था, आपने भी उसको तंग किया था ना। आज इंडिया की टीम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मतलब आप इरफान पठान या मतलब आप यूसुफ पठान की बात कर लो, मुझे वो 2010 वाला यूसुफ पठान लगा है जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देता होता था। ये मुझे वो यूसुफ पठान लगा है। पेल के रख दिया यार यूसुफ पठान ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग किया यूसुफ पठान ने। ये सुबह उछल रहे थे बैठ के कि वो जी इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को ये कर देंगे। मतलब चीटिंग करने के बाद भी आप लोग नहीं जीत पाए, अंदाजा लगा लो। चीटिंग के बाद भी इंडिया ने आपको हरा दिया, वो किधर गया वो आपका शाहिद अफरीदी, किधर गया वो वहाब रियाज। इस वहाब रियाज ने आज भी मार खा लिया। मतलब वो कहता ना कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ो। हमने जीतना था, नहीं जीत सके, यही हुआ है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हमारे साथ। अबे हम जीतना अब छोड़ो, अब सोचे ही ना करो जीतने का। वो ये ना पाकिस्तान ये अब करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना ये उल्टा पड़ता है भैया हमने। इधर एंड पर आकर इंडिया जो के सेमीफाइनल में मसा मारकर पहुंचा था रन रेट की बेस के ऊपर, वो कप उठा कर ले गया है। यू भी तेरा क्या करूं मैं। इंडिया ने ना ऑनेस्टली मैंने मैच देखा, बॉलिंग, फील्डिंग और उसके बाद बैटिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान की टीम को हराया, तीनों डिपार्टमेंट्स में। यूनुस खान, इरफान पठान ने बोल्ड कर दिया, इन स्विंगर मारा अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश की वो बोल्ड यूनुस भाई। इरफान पठान ने हरभजन सिंह की जगह पर किया और इरफान पठान ने 3 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए। ये डिसीजन आप चेक करें युवराज सिंह का। युवराज सिंह ने भाई साहब आज जिसे कहते हैं बेहतरीन उसके डिसीजन थे, बेहतरीन जिसको कहते हैं, हर लिहाज से उसके डिसीजन आउट क्लास थे। मैच को ना पाकिस्तान के फेवर में आने से बचाने वाली जो इनिंग्स है ना वो यूसुफ पठान की है, 30 ये 16 गेंदों के ऊपर, और ये बहुत क्रूशल 30 थे। 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। ये जो 30 रन है ना, ये अगर पाकिस्तान किसी तरीके से बचा लेता, पाकिस्तान मैच अपनी ग्रिप में कर लेता। यकीन करें पाकिस्तान ने मैच अपनी ग्रिप में कर लेना था अगर ये 30 रन पाकिस्तान किसी तरीके से बचा लेता, नहीं बचा सका। यूसुफ पठान की ना ये टूर्नामेंट यूसुफ पठान का सीरीज, बेशक मलिक ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, यूसुफ पठान ने 350 इकट्ठी की हैं और क्रूशल। तो यूसुफ पठान की जो इनिंग्स है ना उन्होंने भाई साहब टीम इंडिया को फाइनल में भी लेकर आई है और फाइनल भी जितवाया है, जो साफ सी बात है। तो मेरे नजदीक तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई बनता है ना तो वो यूसुफ पठान बनता है। मेरा दिल टूट गया यार, बस एक कप हमें भी जीत लेने देते तो क्या ही जाता, बुढ़ापे में तो कुछ किसी के हाथ लग लेने देते। ए जालिम लोग हैं यार ये, मैं इनसे नाराज हूं यार। जी हाँ फ्रेंड्स, WCL का फाइनल मुकाबला एकतरफा मुकाबला हुआ। भारतीय टीम ने बासानी पाकिस्तानी चैंपियंस को हराकर ये फाइनल मुकाबला और ये पहला एडिशन अपने नाम कर डाला है। यूसुफ पठान, इरफान पठान और अंबती रायडू ने भारत के लिए शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तानी टीम महज 156 रन बना सकी 20 ओवर्स में। शुएब मलिक ने टेस्ट के तरह खेलते हुए बहुत स्लो बल्लेबाजी की, जिसका खमियाजा पाकिस्तान
को भुगतना पड़ा। एंड तक शुएब मलिक विकेट पर रहे मगर उन्होंने कोई रिस्की शॉट नहीं खेला, कोई जारहाना स्ट्रोक नहीं खेला, रन के लिए नहीं गए, जिसके बाद बासानी भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबले के बाद यूसुफ पठान की 20 गेंदों में एंड में आकर 30 रन के शानदार बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय टीम ने ये चैंपियनशिप अपने नाम कर डाला। पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी, किस तरह इरफान पठान और यूसुफ पठान ने पाकिस्तान को हराया, किस तरह उन्होंने सेलिब्रेशन की, किस तरह पाकिस्तानी टीम जो कि यंग थी, जवान थी, रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे थे, पिट प्लेयर्स खेल रहे थे, मगर फिर भी भारत से फाइनल मुकाबला हार गई। एक बार फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। जहां तक आईसीसी इवेंट्स का ताल्लुक है तो बच्चों के बाद बड़ों को भी शिकस्त हो गई है और पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त इस हवाले से अपना रिएक्शन दे रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने हराया है। तो आपने ये कंप्लीट वीडियो रिएक्शन देखा, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।